हिंसा के प्रत्यागी जवाब दे पाएं तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए। और हिंसा के प्रत्यागी जवाब दे पाएं तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे हथियार उठाकर लड़े नहरों के जैसे। क्या हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने देवालय को फिर से खंडित होता देखें, फिर से बच्चों को दीवारों में चिन्हने दें, फिर से अपनी माताओं को रोता देखें, फिर से बेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या फिर से सजने दें मीना बाजारों को, या आंखों में रखें हम थोड़ा सा पानी और हाथों में धारण कर लें तलवारों को। वाह, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। अरे जग ने जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने, किससे मांग रहे हो ये देख लो। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने, कीर्ति ज्वाल से जला दिया है कलिकाल जाल, संपत्ति लुटा दिया अनादिया उदार ने, और बिंद कवि याचकों का मन हर्षा दिया है, सुख बरसा दिया है करुणावतार ने, और करतार ने भी जिन्हें कुछ ना दिया है उन्हें ताज पहना दिया है नादिया सवार ने। वाह भाई क्या बद। अगर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु की दुल्हन, मुझे आपकी चेतना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और तमाम क्रांतिकारियों की दुल्हन आजादी की दुल्हन थी, तो वर्तमान युवा की दुल्हन इस देश की उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है। वाह, आप ऐसे मत बोला करो जय श्री राम। इस देश के बहुत पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, यह नारा प्रतिहिंसक है। तो मैंने उनसे उसी दिन कहा कि अरे चौपतियों, मंच पर हूं, हम जब कविता पढ़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि इस जगत जननी माँ शारदा का साक्षात प्राकट्य है, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, तो मैंने कहा यार खाली इंडेक्स थोड़ी पढ़ना होता है, किताब भी पढ़नी होती है, पूरी किताब पढ़ा करो, इंडेक्स पढ़ के आ जाते हो फिर हमारी छाती पे चढ़ते हो कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते। अच्छा मैंने ये कहा तो लोगों ने कहा राम इतना मुखर होके मत बोला करो अमित भैया, इतना मुखर होके मत बोला करो, तुम्हारा नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इतना करोगे कि मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह, चल निकल। बोलेगे इसमें माता सीता नहीं है, मतलब इनके तर्क देखो कहां से तर्क लाते हैं, मैं तो इनकी बुद्धि पे कभी कभी हंसता हूं, गोल्ड मेडलिस्ट। बोलेगे इसमें माता सीता नहीं है, और जो लोग भगवान राम से माता सीता को दूर कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, भगवान राम के भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने फिर कहा अरे प्रचंडो,
अगर जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह वाह, ये है हम। बोले आचार संहिता लगी है। सबसे पहली आचार संहिता लगवाई हमारे भरत भैया ने, भगवान राम के छोटे भ्राता भरत जी। उन्होंने आचार संहिता लगाई जब लाकर सिंहासन पर जूता रख दिया तो आचार संहिता लग गई। यह कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। खड़ाऊ रखने के बाद कोई समस्या नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ये बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोलता था कि आप समझो पढ़ा लिखा भी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं 14 वर्षों तक, न पैदा हुआ न मरा, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही राम जी आए तो पीछे से खड़ा होके बोला, वो तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहां रह के आई। तो लोगों ने कहा, पूछा मुझसे लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ऐसे इसलिए हुआ कि भरत जी हाथ में पकड़े थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, राम जी ने पांव में पहन लिया तो वो बोला, नौजवान मित्रों ध्यान रखना, विचारक लेखक और इस देश को विचार के, इस विश्व को विचार के माध्यम से चलाने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, आप एक बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इस देश का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। वाह वाह, क्योंकि इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह, हम अहिंसा के पुजारी हैं। इधर भी दे, इधर भी दे, इधर भी दे दिया, अब क्या, इधर भी दे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की चलाए होलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। आपकी तालियां वो उठेंगी जब आप सुबह 9-10 बजे जगते हैं ना, और आंखों को ऐसे करते हुए जगते हैं, तब तक वो एक भैंसा काट के 10,000 भीतर कर चुका होता है। जब आप सुबह 10 बजे जगते हैं तब तक वो 500 की धनिया 1500 में निपटा चुका होता है। इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है। प्रेम इस जीवन का आधार है,
तो ये जान लीजिएगा युद्ध इस जीवन का नियम है, सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बजाओ। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो, सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजू में हनुमान सी बलवान कर लो हिंदू। वाह, बलवान बनने में क्या समस्या है, ताकतवर बनने में क्या दिक्कत क्या है? हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए, और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे हथियार उठाकर लड़े नहरों के जैसे। क्या हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने देवालय को फिर से खंडित होता देखें, फिर से बच्चों को दीवारों में चिन्हने दें, फिर से अपनी माताओं को रोता देखें, फिर से बेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या फिर से सजने दें मीना बाजारों को, या आंखों में रखें हम थोड़ा सा पानी और हाथों में धारण कर लें तलवारों को। वाह, इतिहासों में शांति ढूंढने वाले अब बतलाएं कौन सा प्रश्न उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। राम जी का मंदिर बना तो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ छोटों ने लंपटों ने कहा कि हमारा समय आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे। हमारा टाइम आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा विश्वास है कि गजवाए हिंद होगा। जिन लोगों को ये बातें व्यर्थ की और बिना मतलब की लग रही हो, वो मेरे दृष्टिकोण में प्रचंड मूर्ख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिनको मौत सताती होगी क्या करेंगे 100 साल जी के, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। वाह वाह, अच्छी पंक्तियां, वाह वाह। बोले हम तोड़ देंगे, हम तेरी ठठरी नहीं बात देंगे हम, बोले हम भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं कमल आग्ने, उस व्यक्ति की एक टिप्पणी मुझे अचानक याद आ गई, बोले हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। तो कमल भाई बोला, उसके साथ साथ मैं भी बोला कि एक दाएं हमें धन लेन दे छुरी, इस देश में कुछ भी हो रहा है और आपको संतुलित बने रहने की आवश्यकता है। यदि आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा है और आप आगे से पीछे तक मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 1.5-2 दशकों में आपके शहर में आपके देश में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। बस केवल इतना दीजिए। लोग कहते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। लड़ाई बस इतनी। भर्तृहरि महाराज के श्रृंगार शतक में लिखा है, वर्तमान देश की वर्तमान राजनीति को देखता हूं तो मुझे अचानक ये याद आ गया, इस श्लोक नहीं पढ़ूंगा थोड़ा लंबा है, उसमें लिखा है
कि अगर अग्नि का उपाय करना है तो जल से हो जाएगा, मतांध हाथी का उपाय करना है तो नुकीले अंकुश से हो जाएगा, व्याधियों का उपाय, विष का उपाय करना है तो तंत्र मंत्रों से हो जाएगा। शास्त्रों में हर विपत्ति की औषधि है, लेकिन मूर्खता की कोई औषधि नहीं। दस पंद्रह चौपतीय मिलकर कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बन रहा। भाई चौपतियों का जवाब नहीं है, बोले हमारा संगठन नहीं बन रहा, गठबंधन नहीं हो पा रहा है, आचार संहिता लगी है। मैं उस गठबंधन की बात कर रहा हूं, यह पहला गठबंधन हुआ महाराज जनक की सभा में, जब धनुष भंग लीला चल रही थी, जब एक एक करके राजाओं से नहीं टूटा तो वो सब इकट्ठे हुए और महाराज जनक से बोले कि अब हम इकट्ठे होके तोड़ेंगे। तो जनक महाराज ने कहा कि तोड़ तो दोगे लेकिन ब्याह कौन करेगा, बोला उसके बाद हम कुश्ती लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वो ब्याह करेगा, तो उसमें दूल्हा ही तय नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपकी चेतना जागे, संगठन बनाने और चलाने के लिए ऐसी कमरे में बैठकर दो चार न्यूज चैनल के माइक सामने रखकर भाषण देने से संगठन नहीं चलते हैं। संगठन चलाने के लिए कुर्ता पाजामा पहनकर घर द्वार परिवार तोड़कर सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ठंडे पानी से नहाकर ध्वज लगाकर छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वाह जिंदाबाद लड़के, वाह वाह। अब आपको पता लग गया होगा कि 400 सीट क्यों आती हैं, क्यों उन्होंने राम बदावर छोड़ रखा है। एक बार जोरदार ताले बजाए आगे से लेके पीछे तक। मैं निवेदन करना चाहता हूं, याद रखिएगा जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यही 10-20 साल हैं, जवानी ही भवानी है, उसके बाद बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। जो कुछ करना है अभी कर लीजिए। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया राम, मातृशक्ति बैठी है, आप देश की आधी आबादी हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। 4 पंक्तियां विशेष रूप से आपके लिए। जो केवल माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। वाह, सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ गए, अब लड़ाई हमारी और आपकी बची है। युद्ध का मतलब यही नहीं है कि तलवार लेके किसी की गर्दन काट दो जाके, युद्ध का मतलब तो वह दिलों में पल रहा द्वंद है जो सुबह शाम आठों याम आपको सोचने के लिए विवश कर देता है कि जीवन में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये चयन हमारा अपना है कितना और कैसे जिया जाए, अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को सचमुच तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां घंटियां संग तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार
आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह, बोले कि हम 22 में नहीं आएंगे। हम कहा ओके थैंक यू, हम 22 में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। भाई अच्छी टिप्पणी है, वाह। क्योंकि राम जी अकेले थोड़ी आएंगे, संग में बजरंग बली भी आएंगे। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सो। बजरंग रंग रम जाय रमे बजरंग, कभू थामे न थमे बजरंग, चले होले होले धरती कापे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी, आशीष करे सीता माई, यह राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। वाह, इन नारों का और इस मुखरता का दीदी असर यह हुआ पिछले 7-8-10 वर्षों में कि जो बॉलीवुड तेनु दुलक ने मनाया बुतनी के कहता था, वो अब ये कहता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। वाह, ये और हमारी और आपकी मुखरता का परिणाम है। निवेदन करना चाहता हूं, एक बार तालियों से आदेशित करिए स्वागत। मैंने जब ये सब कहा तो लोगों ने कहा कि राम अब सब कुछ सही है, शासन प्रशासन देश में बहुत सब कुछ बढ़िया, माहौल अच्छा है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप भाईचारे की बात करो, समरसता की बात करो, ताकि इस देश की उन्नति और तरक्की हो सके। मूल बात भी यही है, होना भी यही चाहिए। मैं एक भाईचारा पढ़ना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो 4 पंक्तियां भाईचारे की पढ़ूं। स्वागत स्वागत। दिल देखना मेरा कितना बड़ा है, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया, बुद्धम शरणम गच्छामि। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया, धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया, राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया, हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया, आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ हे समय, मनाने की खातिर तैयार है हम, भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। वाह,